जी का मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे इंडिया गठबंधन की ओर से इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे पढ़ने के लिए कहा है। इससे पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहती हूं। देखिए, ये दिल्ली वाले जानते हैं कि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहाँ बचपन से मैं आ रही हूँ। हर साल दशहरे के दिन यहाँ इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे। भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री जी एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए।
पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद। जय हिंद। जवान बच्चों को